could be us. So back to what I was saying. It could be us. हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं पूछूंगा आपसे पांच मैजिक स्टिक वाली पजल्स, देखते हैं आप उनको सोल्व कर पाते हैं नहीं। तो पहली पजल आपके स्क्रीन के सामने है, देखते हैं आप इसको सोल्व कर पाते हैं नहीं। आपको इसको सोल्व करने के लिए 20 सेकंड का समय मिलेगा और टाइमर में नीचे लगा दूंगा, देखते हैं आप इसको सोल्व कर पाते हैं नहीं। इसका आंसर आपको 20 सेकंड के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, आपका टाइम पूरा हो चुका है, तो हम बताते हैं आपको इसका सॉल्यूशन। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 3+4=5 है, ये बिल्कुल इक्वेशन गलत है, तो हम इसको करेक्ट करेंगे बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ये। (9-4=5) ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपका आंसर भी यही था तो वीडियो को लाइक करके बताइए गाइस। चुके पजल नंबर 2, देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाते हैं नहीं। आपको इसके लिए भी 20 सेकंड का समय मिलेगा, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। हाँ तो दोस्तों, आपका समय हो चुका है पूरा, तो आइए अब जान लेते हैं इसका आंसर। अभी आपके सामने क्वेश्चन है 9+4=3, तो इसको हम करेक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस 5+4=9। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, आपके सामने आ चुके हैं पजल नंबर 3, देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाते हैं नहीं। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, एक तिल हटाओ और इक्वेशन बनाओ। तो गाइस, आपका समय हो चुका है पूरा, तो आइए इसका सॉल्यूशन जान लेते हैं। तो क्या है इसका आंसर देखते हैं। (0+4=4). तो गाइस, ये इसका सॉल्यूशन था। 0+4=4। तो गाइस, ये इसका सॉल्यूशन था पजल नंबर 4। देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाते हैं नहीं गाइस। दोस्तों, आपका टाइम हो चुका है पूरा, तो जानते हैं इसका आंसर। आंसर है 3+5=8। ये पजल नंबर 5। (0-5=1). तो गाइस, आपका टाइम हो चुका है पूरा, देखते हैं आप इसका सॉल्यूशन दे पाएंगे या नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। आपको इसका आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा।